सर अगला जो मेरा सवाल है ये है कि हु इज भगवान, भगवान जी कौन थे, और हैदराबाद में उनका जो सीक्रेट लाइफ था उसके बारे में सर आपका रिसर्च से पर क्या किया? नहीं, आप तो मुझे पूछ रहे हैं जिसके पर मैंने 950 की किताब लिखी है, तो इतना मोटा किताब लिखा है 950 का कन्ड्रम करके, तो वो तो हाँ हाँ, तो वो पूरा ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान जी जिस व्यक्ति को आप लोग गुमनामी बाबा करके बोलते हैं आजकल, ये जो शब्द गुमनामी बाबा है ये मीडिया ने रखा था 85 में इस आदमी के मरने के बाद में, तो ये उसका नाम गुमनामी बाबा कभी नहीं था। ये कोई व्यक्ति था, बड़ा 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 अजीब किस्म का व्यक्ति था, जो कहते हैं कि 1950 51 या 52 के आसपास, 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, ये भारत में आया नेपाल की तरफ से। और यहाँ पे वो बड़ा मतलब शक्ल अपनी लोगों को नहीं दिखाते थे, छुप करके रहते थे। आप उनके कमरे में जाएंगे तो अपनी शक्ल ढक लेंगे एकदम से, कपड़े से या किसी चीज़ से, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बात करना है तो स्लेट में लिख करके देंगे आपको, आपको अपने हाथ का लिखा हुआ कुछ कागज़ नहीं देंगे कभी, लिखे आपको देंगे तो ले लेंगे आपसे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उन पर शक होएगा कि ये आदमी कुछ बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि उसके बीच बीच में कभी कभी रातों खबरें आती थी कि सब मुख्यमंत्री मिलने हैं, रात को कोई बड़ा आदमी मिलने क्या है, कभी कभी वो गायब हो जाए, लंबे लंबे टाइम तक नहीं नजर आए, रात को लोग मिलने आते थे, खासकर इंपॉर्टेंट लोग मिलने आते थे करके, कभी लोगों ने उनको बात करते सुन लिया कि भगवान जी तो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, कभी देखा तो किसी ने शक्ल देख ली, किसी ने कहा जी बाबा जी तो आईसीएस ऑफिसर रह चुके हैं पहले, वट एवर। तो जब जब भी किसी व्यक्ति ने उनको बोला, उनको जब लोगों ने खासकर जब शक्ल देखी है, तो लोगों को शक नेताजी का शक्ल है, तो जैसे ही कोई किसी को उन पर शक होता था वो स्थान को छोड़ के भाग जाते थे। तो आप जो बोल रहे हैं फैजाबाद, तो उनकी जो अयोध्या में फैजाबाद का जो इलाका है वो उनके जीवन का आखिरी 2 साल थे, अदरवाइज वो स्टार्टिंग में वो आपके मैनपुरी में थे, वो लखनऊ में थे, वो रिजौर में थे, वो लखनऊ में थे, वो नैमिषारण्य में थे, वो बस्ती में थे, वो अयोध्या में थे, तो वो ऐसे करते 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 उन्होंने बहुत जगह चेंज करी है, तो कि सर क्या जहाँ ये बात भी सच है? जहाँ जहाँ लोगों को शक हुआ उनके ऊपर, या जहाँ उनको लगा कि लोगों को मेरे बारे में मालूम चल जाएगा, वो रातों रात वो स्थान चेंज कर देते थे। तो सर क्या ये बात भी सच है कि वो पुरी भी आने का उनका प्लान था? उड़ीसा की जो जगह है पुरी जाना था। जब वो उसमें ये प्लान ये था, वो हमने किताब में उनका हाथ का लिखा हुआ नोट निकाल से डाला है, क्योंकि उनको बोला गया था कि जब उनको शिफ्ट करने की बात हुई थी तो उनको बोला था कि उनको वहाँ शिफ्ट करें, तो उसने कहा नहीं वहाँ मुझे लोग पहचान जाएंगे, वो एकदम से मना कर दिया कि नहीं वहाँ लोग मुझे पहचान लेंगे। बाकी वो बातचीत करते थे, बिकॉज जैसे वहाँ पर वो आए थे तो जो नेताजी से जो बड़ी उनकी बहन थी तारूबाला, जो उनके फैमिली में अगर आप देखें ना 12-13 भाई बहन थे, तो सुरेश सॉरी शरद बोस है, शरद के नीचे सुरेश था, सुरेश के नीचे तारूबाला, तारूबाला के नीचे सुभाष था, तो तारूबाला की शादी गोरखपुर में हुई थी यूपी में, और गोरखपुर बहुत दूर नहीं है लखनऊ से या फिर इन जगहों से, गोरखपुर से तो आपके एमपी हैं ये हमारे मुख्यमंत्री जो अपने योगी नीतीश योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ था, तो गोरखपुर में नेताजी की बहन की शादी हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है कि वो उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, तो शायद वो उस टाइम पे तो नहीं थी वो, लेकिन ये जो व्यक्ति जिसको आप गुमनामी बाबा कह रहे हैं, ये उनको याद करता था कि इस शरीर का बहन वहाँ पे है। और उन्होंने बताया कि हम जब बचपन में छोटे थे अपने घर में कटक पटक में, तो हम क्या क्या खेला करते थे, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको कोई साबित नहीं करता। हाँ वो बोलते कि हमारे घर के सामने कोई छोटी सी पहाड़ी थी कटक में, हम उसके ऊपर हम दोनों भाई बहन खेल खेल खेलते थे कुछ करके, तो ऐसी वो बातें याद किया करते थे करके उनके याद से। लेकिन जब उनका ये हुआ था बीच में कि जब उनको स्थान चेंज करने की बात हुई थी, तो किसी ने उनको बोला था कि हम आपको पूरी 11 उस जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो कटक वटक में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वहाँ नहीं, वहाँ मुझे एकदम से लोग पहचान जाएंगे, तो वहाँ मेरे लिए सेफ्टी नहीं है, तो वो फिर वो यूपी में ही रहे, वो अच्छा, इसलिए उन्होंने ईपी में गए। तो यूपी में सर ये रहने का, भी यूपी में रहने का एक कारण और भी था कि यूपी से वो उनको वो देश से बाहर निकल जाया करते थे नेपाल के थ्रू, तो वो वहाँ पे वो नेपाल के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं रहे कभी। तो सर ये भी सुनने में आता है कि उनके अंतिम दिन से पहले पुरी के जो प्रसिद्ध जो जगन्नाथ धाम के जो महाप्रसाद है वो पान साल है। नहीं वो मेरे मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में इतना है कि अभी पुरी के जो शंकराचार्य हैं, जो अभी के शंकराचार्य जी ने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो जब बालक अवस्था में, जब उनकी उम्र 20-25 साल थी, तो वो बस्ती में थे, और उस टाइम पे बस्ती में भगवान जी थे, इनका नाम भगवान जी इनको बोला जाता था, भगवान जी बस्ती में ही थे उस टाइम पे,
तो वहां पे उन्होंने एक प्रकरण का उदाहरण दे करके थोड़े दिन पहले, और आप उनको यूट्यूब में आपको मिल जाएगा वीडियोस का उन्हीं के ऑफिशियल चैनल में पुरी के शंकराचार्य जी के, कि उनको बचपन उस टाइम पे ये हिंट दिया गया कि ये सुभाष बोस है। इस बात का उन्होंने खुद खुद अपने आप उन्होंने इस बात को पब्लिक जग जाहिर किया, क्योंकि ये खबर तो थी कि भगवान जी के कॉन्टेक्ट थे और बड़े लोगों के साथ में, लेकिन ये जो व्यक्ति जो अभी शंकराचार्य रहे हैं और वो बचपन में जब वो साधु यंग साधु थे तब उनकी उनको इसके बारे में मालूम चला था, ये बात उन्होंने खुद अपने YouTube के चैनल पे खुद डाली है। तो पुरी का शंकराचार्य कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना, हमारे हिंदुओं में तो हमारे चार ही शंकराचार्य होते हैं, उसमें से ये प्रमुख शंकराचार्य हैं, खुद खुल करके बोल रहे हैं। तो सर ये जो आपकी जो लिखी गई जो किताब है इंडियन बिगेस्ट कवर अप, तो सर ये कवर अप जो था इसी चीज को आप सामने लाना चाहते थे? कवर अप का मतलब छुपा, जो सच को छुपाया गया, जो सच है, जो सरकार को, कवर अप का मतलब ये है कि कवर अप का मतलब जो चीज़ को छुपाया जाए। तो मेरा मानना है, जो मैंने एविडेंस देखा उसके हिसाब से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सच्चाई का मालूम है लेकिन वो इसको छुपा रही है, तो इसलिए वो वर्ड कवर अप यूज़ हुआ कि इंडिया का, भारत का, क्योंकि इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं, सुभाष चंद्र बोस भारत में हो, जीवित हों और हम तक बात ना पहुँचाई जाए, या जो उन्होंने बातें बोली हैं वो छुपाई जाए, तो इससे बड़ा कवर अप तो मुझे कुछ मुझे तो समझ में नहीं आता कि और क्या होगा। किताब का तहलका मचा दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा, उस किताब का बहुत बड़ा फर्क जो ये पड़ा था कि 2012 में जब किताब आई तो और लोग भी उन किताबों में, मुझसे पहले भी लोगों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन उस मेरी किताब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरे पास बहुत सा मैंने डाटा लगाया जो पहले किसी को के पास में नहीं था, लिखने का तरीका भी होता है और पूरी चीज को मैंने उसमें हैंडल किया, लेकिन उसके अंदर मैंने एक चैप्टर लिखा कि उसमें मैंने ये लिखा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए नेताजी की शो को, और मैंने उसमें से कुछ पॉइंट गिना है कि आपको ये पॉइंट, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें से एक पॉइंट जो मैंने मुख्य तौर पर मैंने हाईलाइट किया वो था कि सीक्रेट फाइलों को डीक्लासीफाई करवाना जरूर पड़ेगा। तो 12 में जब ये किताब आती है तो उसके बाद में मैं कलकत्ता आता हूँ, और कलकत्ता में उस टाइम कोई नेताजी के परिवार में कुछ काफ़ी लोग, कोई शायद शादी थी घर में या क्या था कि बहुत लोग आए हुए थे, तो उनके साथ मैंने मीटिंग करी और उनको मैंने फिर बताया ये बात मीटिंग करके कि इस देश, एक तो पहली बात कि आपका परिवार बटा हुआ है, आपके परिवार में एक छोटा सा धड़ा है जो है, तो कहने को तो सिर्फ वो एक दो लोग हैं लेकिन उनके पास में ताकत बहुत ज़्यादा है और ये कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये लोग जो है पूरे देश में प्रचार करते फिर रहे हैं कि नेताजी की डेथ प्लेनकैश में हो गई है, जबकि आपकी फैमिली में से 99% लोगों का ये विश्वास है कि उनकी डेथ प्लेनकैश में नहीं हुई थी। दूसरा ये कि तो आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, दूसरा ये कि हम लोगों को मुद्दा बनाना पड़ेगा डीक्लासिफिकेशन पे, तो आप जो है नरेंद्र मोदी जो है इनको फ्यूचर में इनके चांसेस हैं, मतलब इनका बहुत ब्राइट है इनका फ्यूचर, आप इनको अप्रोच करो और इनको फैमिली को बोलो चिट्ठी लिखो इनके ऊपर बात को इनसे करके, और तीसरा ये कि हम लोग जो है जैसे और इस देश में प्रोग्राम होते हैं कि कोई मर्डर हो गया कुछ हो गया तो लोग निकल करके कैंडल मार्च निकालते हैं, इवेंट्स करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमको ये काम करने पड़ेंगे, और सबसे अच्छा कि कलकत्ता में आप सब लोग यहीं पर हो तो यहाँ हमको, तो वो हम एग्रीमेंट हुआ, तो हम लोगों ने पहला जो कैंडल मार्च नेताजी डीक्लासिफिकेशन पे हुआ है वो मैंने निकाला था कलकत्ता, मेरे पास में उसका पुलिस का रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ अभी तक का, तो वो हुआ और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करी, हम लोगों ने बहुत सारे, तो एक जनता में एक जागृति आनी शुरू होगी, मीडिया में कवरेज आनी शुरू होगी करते। इससे पहले हम लोग मिशन नेताजी जो हमने, हम लोगों ने 2005 से ही सूचना का अधिकार को इस्तेमाल करके हम लोगों ने नेताजी से बहुत सवाल पूछे, तो ऑलरेडी वो मीडिया में खबरें आनी शुरू हो गई थी, फैमिली के साथ जुड़ने से हमारा स्पीड और बढ़ गई बहुत ज़्यादा करके, और उसके बाद में फिर चिट्ठी भी लिखी इन्होंने, ये मोदी जी से मिले जब मुख्यमंत्री थे योगी के गुजरात के, और ये करते 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 ये जब हुआ करके, तो फिर बीच में हमारी वजह से, चंद्रचूर की मेरी वजह से सरकार ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक किए 2010 में, और वो करते करते 2014 के आसपास वो नेशनल आर्काइव में आ गए डॉक्यूमेंट, और वहाँ जाके मैंने उनको देखा और वहाँ जाके मुझे मेरे हाथ में एक फाइल लगी जिसमें ये दिखाई दिया था कि ये लोग जासूसी कर रहे थे सरकार के नेताजी के मरने के बहुत बाद उनके परिवार के और लोगों की, उसको मैंने लिखा। उसके बाद में वो इंडिया टुडे को मैंने ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्हीं के पर लिखा था मैंने, उन्हीं की एक वेबसाइट थी डेली, वो जो इंडिया टुडे की वेबसाइट है, तो फिर उसके बाद में इंडिया टुडे ने स्टोरी को पकड़ा, उन्होंने कवर स्टोरी बनाई और 2015 अप्रैल में ये पूरा इंडिया टुडे की कवर स्टोरी के बाद से ये पूरे देश में बवाल मच गया कि जासूसी कांड हो रहा है, और वो दिन है कि ये इशू उछल गया और नेताजी के परिवार के वो लोग जो जिनको कोई जानता भी नहीं था कलकत्ता में, वो सारे टीवी में आकर के वो मशहूर हो गया करके उस प्रोग्राम के बाद से, तो उसके बाद से पूरे देश में एक अवेयरनेस आ गई है, उसके दिन के बाद से हम लोग को अटेंशन मिल रहा है, उसके कारण हम लोग आप पर मैं आज बात कर रहे हैं। अगर ये हम लोग को जासूसी वाला कांड हम नहीं निकाल पाते तो शायद ये
कहानी निकल नहीं पाती आगे। ये कहानी के आगे बढ़ने का मेन कारण वो जासूसी कांड को एक्सपोज करना है, और वो सारा का सारा चंदूचूर का मेरा किया धरा है। तो सर एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, सर ये जो सीक्रेट फाइल की बात कर रहे थे, तो सर उड़ीसा में भी कुछ सीक्रेट फाइल है क्या जो अभी तक सामने नहीं उड़ीसा में कुछ फाइलें थी, उड़ीसा में कुछ फाइलें थी, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे कुछ फाइलें थी जो उनके परिवार जानकी जो भवर उनका जो घर ग्रह उनका जो घर है नेताजी का वहां पे उनके पिताजी का जो घर था उसको लेकर के कुछ फाइलें थी, हो सकता है उसमें कुछ फैमिली डिस्प्यूट को लेकर कुछ कागज वागज हो, तो फाइलें तो होंगी वहां पे, वो फाइलें तो थी उनके उनके पैतृक घर को लेकर के कम से कम एक सीक्रेट फाइल जो है मुझे मालूम है वो है, और वो उड़ीसा सरकार के पास नहीं है, गवर्नमेंट का सर है, गवर्नमेंट के पास फाइल है, वो उड़ीसा में जो उनका उनका जो घर है नेताजी के परिवार का उसको लेकर के फाइल है, तो हो सकता है उस फाइल में इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट होगी कि मेरे ख्याल से उस घर को लेकर कुछ आपस में डिस्प्यूट भी था फैमिली के लोगों में बाद में, तो शायद उसको लेकर के या और कारणों से, लेकिन एक फाइल कम से कम उड़ीसा सरकार के पास में एक फाइल तो है जो सीक्रेट थी, और तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आरटीए लगाया नहीं वहाँ पे, लेकिन कम से कम ये तो है, होनी चाहिए नेताजी को लेके फाइल इन्फॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड पे तो कहने के तो होंगी बहुत सारी, पर ये एक फाइल तो है क्लासिफाइड, वो तो मुझे मालूम था ये तो रिकॉर्ड पर है। सर आपका पहुंच तो काफी आगे है, तो फाइल तक आप पहुंच नहीं पाए? हाँ जी आपके पहुंच तो सर काफी आगे तक है, तो वो फाइल तक आप पहुंच नहीं पाए? नहीं नहीं वहां तक नहीं पहुंचे, उड़ीसा में मेरा आना जाना नहीं होता ना मेरा वहां पे, अगर मैं आता जाता कर कल को लेक्चर दे तो मैं वो लोगों को बोल सकता था, लेकिन चक्कर है कि मेरा आना जाना होता नहीं है, और ये बात भी है कि कोई आपके एमपी वगैरह भी कोई खास कुछ कॉन्टैक्ट मुझे नहीं किया, मुझे कभी और प्रदेशों के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने कॉन्टैक्ट किया, उनसे बातचीत हुई है, चाहे उसका निष्कर्ष कुछ ना निकला, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उड़ीसा से किसी ने मुझसे कभी कॉन्टैक्ट किया, सिर्फ मुझे सुपर्णो सतपथी जो है ना वो मुझसे मेरी उनसे पर्सनल मेरी बातचीत है, वो मेरे मित्र हैं, तो सुपर्णो सतपथी जी से मेरी बातचीत कभी कभी होती रहती है उनसे, वो मेरे मित्र हैं, उनका उनके अलावा तो मुझे कोई वहाँ से रेगुलरली कोई जानता नहीं, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह ने कभी मुझसे उड़ीसा से बात नहीं करी, हाँ बंगाल के एम पी बात कभी कभी हो जाती है और अपने और प्रदेशों के हो जाती है, मैंने कहा ना कि मुझे उड़ीसा से अनफॉर्चुनेटली मेरी छत किस्मत ख़राब है कि वहाँ से मुझे कोई ना सपोर्ट मिला ना कोई वहाँ पर कोई मुझे खास कोई अटेंशन मिली है, हाँ लेकिन ये जरूर कि लोग लेकिन जरूर ये प्रॉब्लम है कि वो लोग मेरा दिमाग चाटते हैं फ़ोन करके जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब तो वो मैं फिर मैं हर एक आदमी को देखिए मेरी भी मजबूरी है ना, मैं दिन में 12 घंटे हैं, मैं हर एक आदमी को फ़ोन कॉल में आंसर देना शुरू कर दूंगा कि मुझे फ़ोन करने वाले एक आदमी नहीं ना, मुझे पूरी दुनिया में मुझे हज़ारों लोग जानते हैं, मैं सभी का फ़ोन उठाना शुरू कर दूँ तो मैं फिर मैं मेरे पास रोटी खाने का टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। मुखर्जी कमीशन जो थी, जस्टिस मुखर्जी कमीशन आयोग जो था, उसने गुमनामी बाबा प्रकरण को देखा, स्टडी किया, और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है एंड देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी बिलीव्ड, आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल है, उसमें बोला कि जो उनका जो जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है कि जो लेटर्स वहाँ से मिले हैं गुमनामी बाबा के कागज पत्र जब मिला वो सपोर्ट कर रहा है आई विटनेस अकाउंट को, तो आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन किया फाइल में कि देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस कि दिस मैन इज नेताजी, मतलब कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है, वो क्यों नहीं है क्लिंचिंग एविडेंस, क्योंकि आई विटनेस तो मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन सरकारी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई थी हैंडराइटिंग की और डीएनए की, जो गुमनामी बाबा की जो हैंडराइटिंग सैंपल्स हैं वो हैंडराइटिंग रिपोर्ट नेगेटिव है और डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव है, तो इसलिए मुखर्जी कमीशन ने बोला कि देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस, कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, क्योंकि आधा तो मैच कर रहा है लेकिन फॉरेंसिक मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो जो लोग हैं उन्होंने ये निकाला कि मुखर्जी कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, और एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी थी, और वो ये थी कि मुखर्जी का बाद में रिकॉर्डिंग इंटरव्यू हो गया था गलती से, तो वहाँ उन्होंने ये साफ बोला कि मैं 100% कन्विंस हूँ कि यही आदमी सुभाष बोस थे, लेकिन शायद वो साबित नहीं कर पाया उसको जी। तो ये कंट्रोवर्सी उनको लेकर के, हाँ जी सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, हमने तो नेताजी के काफी सारे जो स्टैचूज हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, स्टेटल बेसिस पे हमने देखे हैं, तो भगवान जी के जो स्टैचू है अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है, तो ये क्या करना है, ये देखा है? नहीं नहीं भगवान जी का, जब भगवान जी को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो स्टैचू किस बात की बनेगी, और शक्ल उनकी फोटो किसी के पास में नहीं है, लोगों ने हाँ ये बोला है कि वो उनसे मिलते थे, वो शक्ल पूरी सुभाष बोस जैसी थी,
तो लेकिन भगवान जी को जब अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया सरकार के लेवल पे, तो वो स्टैचू कैसे बन जाएगी उनकी। हाँ, उनकी जो समाधि स्थल है उसको थोड़ा ढंग से बनाया गया, वो लोगों ने अपना पैसा खर्च करके, जो लोग उनके जानने वाले जो थे उन्होंने उन्होंने समाधि स्थल को अच्छा बना दिया। तो तो आप सर, अगर कोई बनाना चाहेंगे। नहीं, लोगों ने उनके उनके हाथ से, उनके फोटो मोटे मतलब उनके हाथ से स्केच वगैरह तो बहुत लोगों ने बनाए हैं, स्केच वगैरह तो बहुत लोगों ने बनाए हैं, तो वो तो लोग बनाते रहते हैं। आपके भाई ने भी बनाया था और लोगों ने बनाया है, स्केच वगैरह है करके। हाँ, कल को फ्यूचर में कोई मूर्ति बना सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हमारा सरकार उसको, सरकार को नहीं मानेगी ना, सरकार के फॉर्मली उसको गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करवाना वाली बात है ना, कि सरकार नहीं मान रही और जनता तक पूरी नॉलेज नहीं, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, खासकर उनके कई लोग परिवार के लोग हैं, पूरे केस के बीच में अड़े हुए आकर, ये प्रॉब्लम। तो सर, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष है जो आप, जो नेताजी से खुद मिले हैं और आप उनके साथ भी मतलब ताल्लुक रखते हैं, या फिर आप उनसे रूबरू मिले? जी आप बात कर रहे हैं गुमनामी बाबा की ना, कि सुभाष चंद्र जी बोस की बात कर रहे हैं, गुमनामी बाबा की बात कर रहे हैं। गुमनामी बाबा गुमनामी नेताजी बाबा। थे जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन हाँ, बहुत लोग, वो तो रिसर्च का तो बेसिक डेटा है। अगर मैं जिन जिन लोगों ने उनको देखा था और जो जो उसमें से जीवित रहे 2000 तक या उसके बाद में, तो वो तो मैं उनसे मिलूंगा, बिना उनके मिले मैं कैसे अपनी किताब लिख दूंगा। तो जो जो लोग उनसे मिले, थोड़ा नाम बताएंगे? कई हैं, दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं अपने, श्रीकांत शर्मा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस थे, इनसे मिले, दुलाल नंदी से मिले, विजय नाग से मिले, जगत जी दास गुप्ता से, सुरजीत दास गुप्ता से मिले, बहुत बहुत लोग थे, काफ़ी लोगों से। तो मैं आपको मोटे मोटे नाम गिना रहा हूँ, और भी बहुत लोग हैं, जो लोग उनसे, डॉक्टर मिश्रा जी से मिले, डॉक्टर प्रीमत बनर्जी से मिले, सबसे क्लोज उनको बनर्जी फैमिली थी वहाँ पे, मिश्रा जी बहुत क्लोज थे उनके, अलग अलग टाइम पे, जैसे पांडे जी अपने टाइम में बहुत क्लोज थे, अपने श्रीकांत शर्मा जी अपने टाइम में बहुत क्लोज में थे, और कलकत्ता में पवित्र मोहन राय की फैमिली के लोगों से मिले, वैसे बहुत लोगों से, बिल्कुल। ये तो बिना उनके मिले आप कैसे, हम लोग इतनी मोटी किताब कौन लिख देंगे? ऐसे मैं पब्लिकली खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि वही नेताजी थे, तो बिना रिसर्च करे, बिना डाटा चेक किए हुए, लोगों से बातचीत किए और देखा कि लोग कितने जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, बिना इस बात की श्योरिटी हुए मैं कैसे पब्लिकली बोल दूँ कि वो नहीं थे, वो थे, तभी बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस मुझे आया लोगों से बात करके। सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा। सर, उड़ीसा के फेमस राइटर हैं, उनका नाम है विभूति रंजन। तो सर, उन्होंने किताब लिखे थे उड़िया में, उसका नाम था निकोस नेताजी, नेताजी नहीं मिल पाए, जिसका हिंदी में अर्थ है नेताजी नहीं मिल पाए। उसके बाद सर, उन्होंने और एक किताब लॉन्च की, उसका नाम था उड़िया में, उसका नाम था नेताजी मिलिले। सर, उसका हिंदी था नेताजी मिल गए, या फिर अंग्रेजी में अगर मैं बोलूँ नेताजी अलिव। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे, मेरे पास, मैंने किताब पढ़ी नहीं, तो मैं जानता नहीं कैसे करके, अच्छा, आप किताब नहीं पढ़े? मैंने किताब नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता करके। और वो मेरे पास में डायरेक्ट मटेरियल है, मैं तो सीधा उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो सरकारी रिकॉर्ड पढ़े हैं या फिर जो लोग उनसे मिला करते थे। तो जब मेरे पे, मैंने गंगोत्री से ही, मैंने अगर वो पानी, अपना पानी पी लिया, तो मैं नीचे आके क्यों पानी पीऊँगा, गंगा 20 किलोमीटर नीचे डाउन द स्ट्रीम। तो मैं तो गंगोत्री से ही मैं सब कुछ लेकर आ गया ना, मैं तो सोर्स से ही सब उठा लिया सब कुछ मैंने। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली, मैं उनसे मिला नहीं हूँ ना, मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में। बस एक लास्ट सवाल। बाकी बाकी वो जो अलाइव वाली बात अगर बोलेंगे, वो बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि वो जीवित हैं अभी भी ये करके। तो सिंपल सी बात है, जो ये व्यक्ति कह रहा है कि जीवित हैं, वो उनको उनका फोटो वोटो खींच के डालते फेसबुक पे, वो क्या, तो उसमें सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो भी दावा कर रहे हैं तो प्रमाण दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे देते हैं। जो कह रहा है जीवित है, हम तो बड़े खुशी की बात होगी, वो तो उससे अच्छी प्रसन्नता किसको नहीं होगी, वो तो बहुत, हम तो खुशी में नाच उठेंगे। आप उसका जीवित होने का सारा प्रमाण लेके कोर्ट में, जब अगर वो जीवित है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फोन भी सुन सकते हैं, फोन में बात कर सकते हैं, वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अगर जीवित है तो फिर प्रॉब्लम क्या, आज तो वो टेक्नोलॉजी है, वो तो उस जमाने में सब कुछ नहीं था। तो जो कह रहे हैं जीवित हैं, तो वो अपना ये फोटो वोटो डाल दें करके, और अगर उनके पास में फोटो वोटो नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो गप्पे फाँक रहे हैं। गप्पे गप गप का मतलब तो ना, गप्पे मारोगे तो उसका हम एविडेंस मान लेंगे। एविडेंस दिखा दो, फोटो दिखा दो, अगर जीवित है तो। आजकल तो, पहले के ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था, अब तो मोबाइल फ़ोन सब कुछ है। अगर आज के ज़माने में भगवान जी वहाँ बैठे तो 2 मिनट में पकड़ जाते वो, क्योंकि तो मोबाइल फ़ोन से फोटो खींच, लोग फोटो खींच लेंगे। पहले तो कैमरा नहीं था, पहले तो जी कैमरा नहीं था लोगों के पास में, पहले तो 2016 में हमारे पास कैमरा नहीं था। आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई, 2016 में यूट्यूब भी ढंग से नहीं चलता था। जी 2016 के अंदर भी मैं जब वहाँ गया हूँ उस इलाके में, तो मैंने अपनी फोटो नहीं खींची कोई वहाँ पे, कि हमारे फोटो खींचने का कस्टम ही नहीं था उस जमाने में। ये जी तो अब जाकर के ये इतना माहौल चेंज हुआ है 18-19 के बाद से, कि हम सबके पास में मोबाइल फोन है और हम उसे लोग, डाटा सस्ता हुआ है।
ये बहुत, क्योंकि पहले कैमरा मैं वैसे मुझे 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 सपने में ख्याल नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि वीडियो और फोटो की इतनी वैल्यू होगी। वीडियो सर ये तो फैक्ट है, मैं भी आपके फोटोज में ढूंढता रहता हूँ, बहुत ही कम फोटो निकल के आते थे, वही पर मैं उस कह रहा समय ना की कि बात अरे करूँ हमें मैं। तो सब, हमें क्या उम्मीद थी, मैं तो प्रिंट मीडियम का जर्नलिस्ट था, मुझे क्या मालूम था कि अगर होगी तो मैं क्या करूंगा वीडियो लेकर के। जी, ये तो किसको सपने में ख्याल था कि एक समय ऐसा है कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर पे और यूट्यूब। जब से सर फेसबुक में आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ और ट्विटर में आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ और यूट्यूब चैनल में आपका है, तब जाके हमें बहुत सारे फोटोज देखने मिले। अच्छा देखेंगे फिर। बस सर एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, लास्ट सवाल है सर, नेताजी के जो कैंपेन्स है, गांधी जी को ब्रांड को खतरा था, तो ये सब जो एक पोर्ट्रेट किया गया है, ये जो एक कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये हमने ही स्टार्ट कराया, हमने वो के लोग हमसे पूछते हैं कि ये सरकार क्यों नहीं सच बता रही, सरकार क्यों झूठ बोल रही इतने साल से। देखिए, सरकार झूठ बोलने का बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है कि पिछले 70-80 सालों से जब जब इस देश की आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो अंग्रेजों पे कोई ये जो धरने वरने से कोई फर्क उनको पड़ा नहीं था। कुछ ये सब झूठी कहानी है कि धरना बैठने से चलेगा, धरना बैठने से कोई नहीं जाता, धरना बैठने से आपको सरकार आपको 2 पैसे का आपको बेनिफिट नहीं देने वाली, वो तो अंग्रेज की बात कर रहे हैं आप लोग। तो वो वहाँ से जब वो बैठे हुए थे, तो वो देश छोड़ के गए हैं क्योंकि फौज उनके खिलाफ हो गई थी, और फौज की वजह से भी देश पे राज कर रहे थे। लेकिन जब वो गए हैं यहाँ से, तो उन्होंने उन लोगों को पावर ट्रांसफ़र करी है जो लोग उनके साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे। तो वो जब लोग पावर में आ गए 47 में, जो हमारे देश के नेता, उनको ये जस्टिफाई करना था कि वो पावर में क्यों है। तो उस टेंस में उन्होंने ये क्या नाम है, उन्होंने अपना ये थ्योरी फ्लोट कर दिया, जिसको बड़ा मशहूर गाना बाद में किसी बंगाली लोगों ने बनवाया था कि वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो वो उस पर इतना ज़्यादा पैसा लगा है उसके ऊपर, सरकार का इतना सिस्टम है उसके ऊपर उस चीज़ को लेकर के, और इतना उसको लेकर के इतना उन्होंने हवा क्रिएट किया हुआ है। और मतलब उसकी मैं हद आपको गिना रहा हूँ कि आप ही के स्टेट में, उड़ीसा में, मेरे से असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ है या किसी ने पार्टी ने बोला है पब्लिकली कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में अहिंसा शब्द को डाल दिया जाए। उनको ये पता नहीं है कि जब आपने भारत के संविधान में अहिंसा शब्द डाला, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपकी फौज खत्म करवा देंगे लोग उसके बाद से। और ये लोग जो अहिंसा को करवाने वाले हैं, इनके खुद के बच्चे तो रहते हैं अमेरिका में, उनको तो चिंता है नहीं फौज कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग जो यहाँ इस देश में रहने वाले हैं, हमारा फ्यूचर तो खत्म हो जाएगा ना अगर आप फौज खत्म करवाओगे, इस तरह की बातें करोगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो देश है ये बर्बाद हो गया था हिंसा के चक्कर में, पहले बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकले हैं उससे, और 40-50% हमारा ख़त्म हो गया, हमारा अफगानिस्तान से लेकर के वहाँ का पूरा हमारे हाथ से निकल गया। तो ये इस देश में तो अहिंसा पर बिल्कुल बैन होना चाहिए कि कोई बात ही ना करे इसकी, कि नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें करके। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि अहिंसा का बात करके उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा, थोड़ा अंग्रेज गोरी चमड़ी वाले ताली मारेंगे उनकी खड़े उनके आदर में, तो वो उसकी फितूर है उनको थोड़ा सा। एनी हो, जब तो ये प्रॉब्लम ये हो गया कि ये 70 साल से इतना गांधी ब्रांड को, और गांधी ब्रांड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें अंग्रेज की इमेज बहुत अच्छी हो जाती है कि बड़े अच्छे लोग थे यहाँ पर आए, बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया, और उनको प्यार से बोला चले गए प्यार से, जबकि झूठ है, वो आपके वजह से नहीं गए थे, वो तो फौज के चक्कर में गए थे यहाँ से वो लोग। लेकिन अब ये क्योंकि स्टोरी अंग्रेजों को अच्छा दिखाती है, ये स्टोरी यूरोप में और अमेरिका में फेमस हो गई, और हमारे देश का जो रूलिंग क्लास है, जो साहब लोग हैं, जो बड़े बड़े जो है, जो साहब लोग जो हैं हमारे, वो सारे बाय डिफॉल्ट जो हैं वो अंग्रेज हैं अंदर से, जिसको दिल्ली में हिंदी में कहते हैं काला अंग्रेज, कि बाहर से देखोगे तो चमड़ी काली होती है, अंदर से देखो तो अंग्रेज बैठा हुआ उसके अंदर। और इनमें से सबसे सब ज़्यादातर लोगों के बच्चे बुच्चे वहीं अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, और वहीं रहने का मन भी उनका भी वही होता है। तो ये दुनिया को और ख़ासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अभी भी उनकी निगाहों से देखते हैं, अंग्रेजों की निगाहों से। प्रॉब्लम नेताजी के साथ में ये है कि नेताजी अमेरिका में और यूरोप में फेमस नहीं है, क्योंकि तो नेताजी अपने कंट्री के लिए लड़ रहे थे। जैसे गांधी जी में और सुभाष नेताजी में क्या फ़र्क है? गांधी जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था ना कि मैं, मेरा जो जीवन का ध्येय है वो विश्व शांति लेकर के आना है, कि दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ, ये मेरा जीवन का ध्येय है। नेताजी का जो एम था बड़ा नैरो था, उसने कहा जी मुझे कंट्री को आज़ाद करवाना है, अपने फ्रीडम करवाना है। तो दुनिया में अब 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, जैसे हमारा देश जो है, भारत देश जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो, अगर आप, मैंने बहुत ज़्यादा अमेरिका घूमा हूँ, मैं कम से कम इंग्लैंड देखा, अमेरिका देखा, और भी मतलब मैंने काफ़ी घूमा, श्रीलंका भी देखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति की बात करने वाले जो नेता हैं वो कहाँ के हैं? वो भारत देश के हैं। लेकिन हमारे नेताओं को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलता, लेकिन नोबेल प्राइज़ के बारे में ठेंगा इनको,
नोबेल प्राइज ना महात्मा गांधी को भी नहीं मिला, पंडित जी का नाम 11 बार गया था उनको वहाँ नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, पर इनको लगता है कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा इनको ये बातें करते करते। और दूसरी सोचने वाली बात ये भी है कि जिसके पेट में खाने को रोटी नहीं है लोगों के, मैं एक बार कहीं लेक्चर देने गया था तो वहाँ पे मैंने देखा लोगों ने वहाँ लिखा था कि हम लोग विश्व शांति के लिए हवन कर रहे हैं, कोई हवन चल रहा था और ये लिखा था कि विश्व शांति के लिए हवन का आयोजन हो रहा है यहाँ पे करके, किसी यूपी की बात कर रहा हूँ। तो हमने लोगों को बोला, मैंने कहने का विश्व शांति की चिंता तुम मत करो, विश्व शांति डोनाल्ड ट्रंप लेकर आएगा, तुम लोग पहले खाने की तमीज़ सीखो कि खाना कैसे खाया जाता है ढंग से, तुम्हारे को खाने खाने की तो तुम्हारे को तमीज़ नहीं है और तुम चले हो विश्व शांति की बात करने के लिए। ये बड़ी बड़ी बातें जो होती है ना, ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और ये बड़ी मशहूर होती है यूरोप अमेरिका के अंदर, जिन लोगों ने साहबों ने बच्चे वहाँ सेटल करने होते हैं। हर एक देश को पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। 1940 में भारत का नेशनल इंटरेस्ट था अंग्रेजों से पिंड छुड़ाना, आज़ाद होना। हमारा नेशनल इंटरेस्ट विश्व शांति लाना नहीं था, ना तब था ना आज है। लेकिन जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज लेने की इच्छा है, जिनको चिंता है कि भैया मेरा बच्चा सेटल हो जाए अमेरिका यूरोप में, वो ऐसी बातें कर रहा है। जनता को समझना चाहिए ये लोग बकवास कर रहे हैं, का कोई मीनिंग नहीं है इन चीज़ों का, और ये देश को डुबोएंगे ये लोग 15-20 साल के अंदर, जैसे हम लोग पहले मारे गए थे हम फिर मारे जाएंगे इनके चक्कर में। और ये इनका तो खानदान यहाँ रहता नहीं है, इनकी तो फैमिली सेटल होगी अमेरिका में हर जगह में, वो तो वहाँ भाग जाएंगे, हम आप और मैं कहाँ भागेंगे। तो ये बेसिकली सारी लड़ाई की जड़ ये है कि जो गांधी ब्रांड है वो यूरोप अमेरिका में चलता है, नेताजी का नाम यूरोप अमेरिका में नहीं चलता, क्योंकि वो भारत की लड़ाई कर रहा था, वो विश्व शांति की बात नहीं कर रहा था, वो उसकी लाइफ की जीवनी जो वो अंग्रेजों के साथ में नहीं था वो किसी भी तरीके से। तो वो प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा जो रूलिंग क्लास है, जो साहब लोग हैं दिल्ली में या और बड़े शहरों में, वो बेसिकली आधे अंग्रेज हैं, वो सबसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए जिस दिन आपने नेताजी का सच आपने बाहर निकाल दिया, सारी बात घूम फिर के निकल के आएगी कि देश को आज़ाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने और उसकी सारा क्रेडिट चेप दिया महात्मा गांधी के नाम पे, तो लोग नाराज होंगे, हटाओ इसको, इनका नाम लेकर आओ। अब चक्कर है कि अब नेताजी का नाम चलेगा नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो जो साहब लोग हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये अच्छा लगता नहीं है वो करके। तो अब जनता को समझना पड़ेगा कि ये ड्रामा है क्या। एक बड़ी मशहूर फिल्म है अंग्रेजी में मैट्रिक्स साइंस फिक्शन, उसका भी चौथा पांचवा पार्ट अभी फिर ऐसा आया करके, उसमें ये था कि आपके निगाहों के सामने एक नकली एक ड्रीम वर्ल्ड इन्होंने खड़ा कर दिया, झूठा, वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, ये पूरा झूठ है, इस झूठ को ख़त्म कीजिए और सच्चाई पर दिखाइए, और अगर नहीं सच्चाई पर आ सकते तो जो जो गांधी जी का दिखाया रास्ता उसको फॉलो कीजिए आप लोग। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री फॉरेन कंट्री में जाकर ये बोल रहा है कि गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल करके आतंकवाद को हराया जा सकता है, तो कश्मीर में अजीत डोवाल क्यों भेजा आप लोगों ने? आप भेजो किसी महात्मा गांधी के चेले को। अगर शांति के दिखाए रास्ते पे चल करके सारे काम हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में आप भेजो दिग्विजय सिंह को, वो शांति के लिए आएगा। नहीं तो आपके उड़ीसा में माशाल्लाह कोई कम नहीं है शांति के पुजारी, जिन्होंने ये प्रस्ताव लेकर आए कि अहिंसा लेकर आओ, तो इनको भेजो अफगानिस्तान के अंदर कि ये शांति लेकर आएंगे वहाँ पे। ये तो गांधी जी के फॉलोअर हैं, ये तो डरते नहीं किसी चीज़ से, और जितने मुसलमान तो वैसे भी इनके बहुत अच्छे इनके दोस्त होते हैं, तो वो शांति लेकर आ जाएंगे वो लोग वहाँ पे। 1% का काम तो इन्होंने किया नहीं 47 के बाद से, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इनको ये इनके दिमाग में ये ख्याल है कि इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इनको ये सोचना चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला यासर अराफात को मिल गया नोबेल पीस प्राइज, हेनरी किसिंजर को मिल गया, इसको इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि तो दुनिया वालों को पता है कि ये लोग पागल बना रहे हैं लोगों को बैठ करके। आपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी खड़ी कर रखी है सेकंड, अब कहाँ की शांति की बातें कर रहे हो आप लोग? गांधी जी साहब बोल के आर्मी डिसबैंड होगी, करो डिसबैंड। तो ये इस तरह की दोगलेबाजी और ढकोसलेबाजी जो सरकार के एंड पे चल रही है वो सारी खुल करके आएगी और आपके लोग आप पे हंसेंगे, इसलिए ये पूरी केस खुल नहीं रहा। तो इसमें ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये तो बिल्कुल कड़वा सच आप बोलते हैं, अभी तो सच बहुत ज्यादा कड़वा सच, अभी तो कड़वा सच बोलूंगा तो आपका यूट्यूब में चैनल बंद हो जाएगा आपका काफी सारे लोगों के साथ बोलते भी हैं, हाँ भगवान भला करे। ये तो अमरीकी है, इन्होंने ये फेसबुक ट्विटर चला दिया यूट्यूब चलाया तो आप हमें बातचीत कर रहे हैं, अगर भगवान ना करे कि ये इन लोगों ने चलाया होता हमारे देश के लोगों ने गांधी भक्तों ने, तो ये आपको मुझको बोलने नहीं देते ये लोग, पैसे चार्ज करते हैं आपसे, पैसा दे पहले मेरे को। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ये YouTube और ये सोशल मीडिया सारा अमेरिका से चल रहा है,
कम से कम आप और मैं खुल करके बात कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको खुल करके ये आपको बात नहीं करने देंगे। जैसे पुराने जमाने में होता था कि आप कहीं बात ही नहीं कर सकते इन चीज़ों के बारे में, कोई मीडिया आपको छापेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं आपको। तो मैं उस बारे में पूरा सपोर्टर हूँ इन लोगों का, इस बारे में कि वो आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो आपको खुली छूट मिलती है वो छूट आपको मिल रही है, नहीं तो ये यूट्यूब वगैरह भारत में नहीं बन सकते कभी। सरकार आपको कुछ बनाने देगी नहीं, क्या बंद करो सब कुछ। ये तो एयरपोर्ट पे फोटो लेने लोगों लेने देते, वहाँ मना करते हैं कि अलाउड नहीं है फोटो लेना। कौन से एयरपोर्ट पर फोटो लेना अलाउड नहीं है भैया? एयरपोर्ट खोल रखा कि तुमने आईबी का ऑफिस खोल रखा है? हर जगह की फोटो के पार्क की फोटो नहीं खींचनी, यहाँ फोटो नहीं खींचनी, वहाँ फोटो नहीं खींचनी। गूगल अर्थ के ज़माने में इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो ये तो ये खुशकिस्मती हमारी है कि अमेरिका में ये इस तरह के यूट्यूब चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, उसकी वजह से आप और मैं बातचीत कर सकते हैं, लोग दुनिया में हमको सुन सकते हैं। अगर ये हमारे देश के लोगों के हाथों में होता तो ये कभी नहीं अलाउ करते आप लोगों को, और आप पे पैसा चार्ज करते बहुत ज़्यादा। इसी से जुड़ते हुए मेरा अगला सवाल है आपसे, ये जो जंग आपने छेड़ रखे हैं, तो क्या मेल में या फिर फोन कॉल में कई थ्रेटनिंग मेल या मैसेज? वो अलग कहानी है, देखो आदमी को वो टाइम चला गया, वो जो आप आज वो कर रहे ना वो कि वो थ्रेट करना ये करना, वो पुराने जमाने में होता था थोड़े से। और मेरा भी था कि मेरा अपने आप में मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा एसोसिएशन बहुत बड़े लोगों के साथ में, तो आसान भी इतना नहीं है ना। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी कर लूँगा, आप मुझे धमकी किसे दोगे आप लोग? मैं पहले अखबार में छपा दूंगा। आज के दिन में मेरी कोई इंपॉर्टेंस हो ना हो, लेकिन मेरे को सारे टॉप एडिटर्स मेरे को जानते हैं, मेरी रोज़ उनसे बातचीत नहीं होती है। मेरी को रोज़ की बातचीत नहीं है, मैं रोज़ नहीं जानता किसी को, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो इस फ़ोन के अंदर अड़ना वड़ना सबके फ़ोन नंबर पड़े हैं। इमरजेंसी फ़ोन कर दूंगा कि इस बॉस मेरे को धमकी आ रही है, आप कुछ चलाओ, वो चला देगा न्यूज़, इतना रिकॉर्ड मेरा कर देंगे। तो ऐसा नहीं, कितना आसान नहीं है मेरे को धमकी देना। मेरे को जानने वाले बहुत नेता और बहुत लोग हैं, क्योंकि लोग नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूँ मैं को, लेकिन लोग मेरे को पहचानते हैं। अगर मेरे पे कोई मुसीबत आनी पड़ी तो मुसीबत के टाइम पे मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत है। वो टाइम चला गया, वो पुराने टाइम था। वो आप जो बात कर रहे हो इंदिरा गांधी जी के जमाने, पंडित जी के जमाने में कि धमकी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब वो भैया वो टाइम चले गए। अब इतना आसान नहीं धमकी देना आपके आज के जमाने में। सर बस एक लास्ट सवाल, इसके बाद हम बंद करेंगे इंटरव्यू को, काफी टाइम हो चुका है सर। काफी सारे नेशनलिस्ट थिंकर्स, रिसर्चर और सर हिस्ट्रियन के अगर मैं बात करूं जो विशेषज्ञ हैं, सर उनका ये मानना है अनुष्ठान सर डिजर्व्स पद्मश्री अवार्ड, क्या बोलेंगे सर? नहीं, पद्मश्री मुझे अगर मैंने रिसर्च ये महात्मा गांधी भी की होती तो मुझे मिल चुका होता। अगर गांधी जी पर रिसर्च करता तो इतना मुझे मिल चुका होता, पर सुभाष बोस के बारे में तो ठेंगा मिलेगा मेरे को। तो वो तो आया कि हाँ, गांधी जी पर रिसर्च करी होती तो मिल चुका होता, तो मिल जाता। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आप अभी सुन रहे थे 20 साल की ये जो बेमिसाल जो नेताजी के बारे में काफी सारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, और जिसके वजह से मेनस्ट्रीम मीडिया भी आज मजबूर हो चुका है नेताजी के बारे में ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। अमित दरसाल जी को आप सुन रहे थे। तो दोस्त अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा, एक छोटा सा काम है, शुरू में जब आप करते हैं तो पता से कहते हैं यार ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मन में अगर संकल्प शक्ति हो, पवित्रता के भाव हो, आपके उद्देश्य बड़ा हो और समाज के हित में हो तो जीत तो होती ही अंत में। तो मिशन नेता जी के जो फाउंडर है अनुसार जी अभी हमारे साथ है, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मिशन नेता जी के साथ आप जुड़िए। अगर इस समय आप नहीं जुड़ेंगे तो आने वाले बेहतरीन कालखंड का ये साक्षी आप बन नहीं पाएंगे। तो आगे अनिता साथी का यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।